धमतोली पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में एक 75 ईयर्स के बुजुर्ग रहते हैं, पति पत्नी साथ में रहते हैं। तो उनको फेब्रुवरी में एक कॉल आया था कि कॉल पर एक आरोपी ने उनको बोला कि मैं सीबीआई का अधिकारी हूँ और ट्राई से हमको एक कंप्लेंट मिली है कि आपके मोबाइल नंबर से बार बार लोगों को फ्रॉड के कॉल जाते हैं, इसलिए आपके ऊपर हम लोग अभी कार्रवाई करने वाले हैं। तो आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमको वेरिफिकेशन करने हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, आप मुंबई में चले आ जाओ, हम लोग मुंबई से बोल रहे हैं, ऐसे उन्होंने बोला था। तो उसके ऊपर वो बुज़ुर्ग डर गया। बाद में उसने बोला कि आपने जो मोबाइल नंबर बता रहे हो हमारा नहीं है। फिर भी उन्होंने उसको शब्दों के जाल में फंसा दिया और उसको बोला कि अगर आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहते हो तो हमको रोज़ आपको अटेंडेंस देना पड़ेगा, हम लोग आपको एक लिंक भेज रहे हैं, वो आप लिंक एक्सेप्ट कर दो और अगर आपको अरेस्ट नहीं करना है तो हमको पैसा दे दो। तो बुज़ुर्ग डर गए, उन्होंने वो लिंक अपडेट की, ओपन की और उसके ऊपर वो बहुत दिनों तक आप साथ बातें करते रहे। बाद में उन्होंने ऐसा करके वो बुज़ुर्ग आदमी से लगभग 2,75,000 रुपये ले लिए, मतलब मांगे, आरोपी ने मांगा और इन्होंने वो सेंड कर दिए। ऐसा वो इनको जब पता चला कि ये सब फ्रॉड है, उनको जब संशय आ गया तो तब उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दिया है। उसके ऊपर से अननोन आदमियों के ऊपर, आरोपियों के ऊपर गुनाह दाखिल हुआ है। उसके बाद पुलिस कभी भी किसी को भी ऐसे आपकी KYC अपडेट करनी है या फिर आपको अरेस्ट करना है, नहीं करना चाहते हो तो पैसों की मांग नहीं की जाती है, कभी भी पुलिस से नहीं की जाती है। अगर किसी को भी ऐसा फ़ोन आता है तो आप तुरंत उसकी बातों के ऊपर ध्यान ना देते हुए पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट कीजिए, बाद में पुलिस उसकी इंक्वायरी करेगी और कार्रवाई करेगी।